बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी चिकन पराठा रोल। और इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने इसके लिए हाफ के जी से थोड़ा सा कम बोनलेस चिकन लिया और उसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ही लहसुन पाउडर। ये चीज़ें जाएंगी और जाएगा तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सिरका यानी विनीगर। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्रिस्पी चिकन के लिए हमने जो चिकन को मैरिनेट करना था वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कवर करेंगे एक प्लेट के साथ और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसको हम साइड पर रख देते हैं और हम लेंगे सबसे पहले 2 eggs और इनके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क यानी दूध, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। और इसको हम अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो चुका है और इस तरह से ये एक बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको भी साइड पे करते हैं और सबसे मेन कोटिंग की चीज़ अब हम लेंगे, और इसमें मैंने लिया है ये हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लोर और हाफ कप चावलों का आटा। इसके अंदर हम थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून ही या उससे थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। अब सबसे पहले हम चिकन के अंदर ये जो एग का हमने बैटर तैयार किया था ये सारा चिकन के ऊपर डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से एग बैटर में कोट करेंगे। अंडे को इसके ऊपर अच्छी तरह लगाने के बाद हम इस बैटर में से तमाम पीसेस को निकाल के ये जो हमने मैदा कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर का हमने मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर हम इन तमाम पीसेस को डाल देंगे। अंडा हमने नहीं डालना, इसमें से हम ये पीसेस निकाल के इसमें डालते जाएंगे। तमाम पीसेस इसमें डाल लिए। अब हम करेंगे हाथ का इस्तेमाल और हाथ के साथ हम इसको हल्के हाथ से सारा जो है पाउडर फॉर्म में मटेरियल वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से हमने दबा दबा के इन पीसेस को इसके ऊपर अच्छी तरह से पीसेस के ऊपर ये तमाम मटेरियल की कोटिंग करनी है। ये देखिए तमाम पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से ये कोटिंग हो गई है। अब हम इन तमाम पीसेस को निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। तो क्रिस्पी चिकन पराठा रोल में लगाने के लिए अब हम बनाएंगे सॉस।
उसके लिए मैंने ये ली है 4 टेबलस्पून मायोनीस, इसमें जाएगी 2 to 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर, ये भी हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। और इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो क्रिस्पी चिकन पराठा रोल में लगाने के लिए ये ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है। एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डालकर गरम होने के लिए रख दिया था। ये शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। हीट हम रखेंगे मीडियम टू स्लो, और उसके अंदर अब हम ये जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे हैं, इनको हम अब एक एक करके इसमें डाल देंगे। चिकन पीसेस मैंने पैन में डाल दिए, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम इनको चम्मच से नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही पकने देंगे ताकि इनकी कोटिंग ऊपर ज़रा सेट हो ले और एक साइड हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी स्लो हीट पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। एक साइड हल्की सी गोल्डन हो रही है, अब मैं एक एक करके तमाम पीसेस की साइड चेंज कर दूँगी। अब बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर आप इसको पकने दें दूसरी साइड को, ताकि चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और चिकन जो है वो गल गई है। अब हम इसको एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लेंगे। क्रिस्पी चिकन को हमने तैयार करके रख लिया है, और ये सॉस भी जो इसमें लगानी है वो भी रेडी है। सैलेड भी मैंने काट के रख लिया। मैं इन रोल में लगा रही हूँ बंद गोभी यानी कैबेज, खीरा क्यूकम्बर और टोमेटो यानी टमाटर। इन तमाम चीज़ों को मैंने पतला और लंबा इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और पराठे, सॉफ्ट पराठे जो पराठा रोल के लिए हैं, उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं उनका लिंक आपको ऊपर दे दूँगी। तो चलिए इनकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2 पराठे रखे हमने, इनके ऊपर हम लाइन में इस तरह से चिकन लगाएंगे, इस तरह से, ये देखिए। इसके ऊपर अब जाएगा इस तरह से खीरे। आप चाहें तो खीरे बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में भी काट लें, लेकिन मुझे इस वाले रोल में ये सैलेड इस तरह से बेहतर लगता है, इस तरह से रखें। इसके साथ रखें टोमेटो के स्लाइसेस, लाइक दिस, और इसी तरह से ये जो बंद गोभी है इसके स्लाइसेस भी इसके साथ इस तरह से रखें आप। ये देखिए, ये बहुत ही हैवी रोल बनेगा, लेकिन बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, चिकन भी है, और ये बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए या टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम इसके ऊपर सॉस डालेंगे इस तरह से। सॉस की क्वांटिटी भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं इनके ऊपर एक एक पराठे के ऊपर 2 टेबलस्पून मैंने सॉस ऐड की है। अब इस तरह से पराठे को हम करेंगे रोल। इसको रोल करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से हम ये टूथपिक लगा देंगे, और ये पराठा रोल रेडी है। इसी तरह से बाकी तमाम पराठे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, रेडी हैं ज़बरदस्त से पराठा रोल। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।